हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुपाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस टू लेक्चर्स में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज और डिस्टेंस फार्मूले पर डिस्कस किया था, और डिस्टेंस फार्मूले पर कुछ हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो अभी मैं ना डिस्टेंस फार्मूले पर और कुछ क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि शो दैट द फोर पॉइंट्स, ये आपको ना चार पॉइंट्स दे रखे हैं। इन चार पॉइंट्स को आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल के क्या हैं, वर्टेक्सेस हैं। फिर उस रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। देखिए, आपको ना ये फोर पॉइंट्स गिविन है। तो फोर पॉइंट्स गिवन है, तो सपोज एक इसको हमने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया, 0-1। इसको सेकंड पॉइंट को वी कंसीडर कर लिया, और थर्ड पॉइंट को सी ये कंसीडर कर लिया, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, डी। इसको क्या कंसीडर कर लिया हमने, डी पॉइंट, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 8.3। आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो चार पॉइंट्स हैं वो वर्टेक्स हैं। किसके वर्टेक्स हैं, रेक्टेंगल के। ये प्रूफ करना है। ये जो आप क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोग जानते होंगे, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देखिए, अपोजिट साइड्स, जैसे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करते हैं और इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ करते हैं। तो अपना डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं, फाइंड आउट करिए ए बी डिस्टेंस फार्मूला, ठीक ना। डिस्टेंस फार्मूला जैसे ए वी में अप्लाई करना, तो इसको एक्स वन बाई वन, इसको आप एक्स टू और वाई टू कंसीडर कर लिए। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला देखिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ये होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36, 7 और 8 ये क्या हुआ, 64, ठीक है। और आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 100, ठीक। तो आप यहाँ से देखिए ए वी की क्या वैल्यू आती है, यहाँ से 10। इसी तरह से देखिए, ए वी हमने फाइंड आउट किया, इसके अपोजिट साइड क्या है, सी डी। सी डी कैलकुलेट करिए, सी डी इसकी कैलकुलेशन करें आप, 8+2 का होल स्क्वायर, 3-3 का होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 3-3 क्या हो गया, 0। तो ये क्या बचेगा आपका, ये भी 100, और आप 100 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो आपने देखा ए वी किसके इक्वल आ गया, सी डी के, ए वी इक्वल्स टू सी डी। अब आप फाइंड आउट करिए बी सी। नाउ बी सी, देखिए बी सी फाइंड आउट करिए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला देखिए, बी सी एक्स वन बाई वन, एक्स टू वाई टू, ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए, -2-6 का होल स्क्वायर और 3-7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे आप 64, 3-7 -4 का स्क्वायर 16। तो ये कैलकुलेशन करिएगा आप, 80, √80, ठीक ना। √80 को आप ये भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से अगर थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 4√5, ठीक है। ये तो बी सी आपके पास कितना आ गया, 4√5, ठीक है। देखिए ए वी आपके पास आया 10, सी डी की वैल्यू आई है ये भी 10, बी सी की वैल्यू क्या आई है, 4√5। देखिए बी सी के अपोजिट क्या है, ए डी, तो ए डी भी आप फाइंड आउट करो, ऑल्सो ए डी। तो डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करिए यहाँ पर, देखिए ए डी, ए डी एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 8-0 का होल स्क्वायर, 3-, प्लस। तो आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यह आएगा 64, 3+1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या बचेगा, 80, तो 4√5। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करिए क्या आ रहा है, ए डी की वैल्यू क्या आ रही है, 4√5, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से ए वी की वैल्यू 10 और सी डी की वैल्यू भी 10, ठीक है। तो देखिए 10, ए वी, ए वी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सी डी, एंड ठीक है, और बी सी, अब देखिए बी सी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ए डी।
तो आप इस क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं अपोजिट साइड्स कैसे आ रहे हैं इक्वल, ए वी हमारा किसके इक्वल आ गया सी डी के, बी सी किसके इक्वल आ गया ए डी के। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स हमारा इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल तो सॉरी वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल। तो लिखिए हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, फर्स्टली आपको कि ये जो आपका वर्टेक्सिस है वो किसका है, रेक्टेंगल, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन का देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो इसका ना हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ आपका ए बी इंटू ब्रेथ क्या आ जाएगा आपका बी सी। तो देखिए ए बी, ए बी कितना है आपका 10 और बी सी, ए बी 10 बी सी भी कितना है आपका 4√5। तो ये क्या बचेगा आपका 40√5 स्क्वायर यूनिट, ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ कराया, रेक्टेंगल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, पॉइंट्स, एक पॉइंट है हमारा ए जिसका कोऑर्डिनेट -1, y, सेकंड पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 7। आपको ये प्रूफ करना कि जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी वो सर्किल पे लाई करते हैं, सर्किल का सेंटर आपको गिवन है, फिर आपसे कह रहे हैं फाइंड द वाई। ये आप देख रहे हैं ए पॉइंट जो हमारा ये सेकंड कोऑर्डिनेट है वाई, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, फिर हमारा जो सर्किल है ना उसका रेडियस भी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये आपका ए पॉइंट है -1, y एंड सेकंड पॉइंट इज v जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 7। सर्किल है, सर्किल का सेंटर दे रखा है आपको, लिखिए सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर क्या दे रखा है आपको O जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3y। देखिए थोड़ा सा मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ, ये आपका सर्किल, ठीक है। अब आप देखिए सर्किल का सेंटर आपको क्या गिवन है, ये ओ पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपको 2, -3y, ये सर्किल का सेंटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इस सर्किल पर ए और पॉइंट, ए और बी पॉइंट कहाँ पर हैं, सर्किल पर है। सपोज हमने ए पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1, y और बी पॉइंट आपने ये कंसीडर कर लिया, मर्जी है आपकी, इधर ए लीजिए या इधर लीजिए, कहीं पर भी ले सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो इसको हमने ज्वाइन किया, तो अब जरा समझिए आप लोग, सेंटर, ये सर्किल का सेंटर है तो ओ ए क्या होगा सर्किल का रेडियस, ओ बी ये भी क्या होगा सर्किल का रेडियस। तो आप ना पहले ये फाइंड आउट करिए, फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं ओ ए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ओ ए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, x1 / 1 x2 / 2, तो x2 - x1 - 2² y - - + और इसकी कैलकुलेशन करेंगे -1 - 2 3 3² 9, ठीक है 3 और 1 कितना हो गया 4 4y² क्या आएगा 16y², ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर लिखे ऑल्सो OV क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सॉरी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए कहाँ गया, हमने लिखा नहीं, यहाँ लिख लेते हैं 5, 7। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाइए आप, 2 - 5² - 3y - 7² तो थोड़ा सा भाई सॉल्व करते हैं आप, देखो 2, 5 सबट्रैक्ट करेंगे -3 - 3² क्या होगा 9, आप इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए तो -, आपका ये प्लस हो जाएगा 3y + 7² हमने ना इस टर्म से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन मतलब -1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस 3y + 7। अब आप यहाँ देखिए सिंस ओ ए एंड ओ वी आर रेडियस ऑफ सर्किल, ये क्या है सर्किल का रेडियस है, ओ ए एंड ओ वी हमें आपको क्या दे रखा है, ये सर्किल का रेडियस है। डायग्राम से देखिए, देखिए जब ये सर्किल का रेडियस है तो इसलिए ओ ए किसके इक्वल होगा ओ वी के, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू को आप यहाँ पुट करिए 9 + 16y², ठीक इक्वल्स टू यहाँ देखिए 9 +
3y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप लोग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 16y स्क्वायर, देखिए स्क्वायर कर रहे हैं हम, 9 प्लस 3y प्लस 7 का स्क्वायर, देखिए 9 से 9 कैंसिल। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो ये देखिए 16y स्क्वायर और 9y स्क्वायर और देखिए 49, ठीक है। और कैलकुलेशन करते हैं, प्लस का 2ab 42y, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर लिया। और इसको सॉल्व करते हैं, 16 मैं इसको वन साइड लेकर आ जाइए आप, 16 माइनस 9 7 7y स्क्वायर और माइनस 42y माइनस 49 इक्वल्स टू 0। अब आप ना यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है हमारा, देखिए 7 हमने कॉमन लिया, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, तो इक्वेशन आपके पास ये आई है, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कर लीजिए, इसके फैक्टर्स कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके हम फैक्टर्स करते हैं, आना चाहिए तो फैक्टर्स करिए, माइनस 7y और प्लस y माइनस क्या है आपका 7 इक्वल्स टू 0। तो हम इसके फैक्टर्स करते हैं, तो ये आता है y माइनस 7 प्लस 1y माइनस 7, तो आप देख रहे हैं ये फैक्टर्स आए, y प्लस 1y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू देख रहे हैं, y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस 1, एक वैल्यू आई है y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 7, ठीक ना। तो y की टू वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड आउट किए हैं। क्वेश्चन का देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की क्या वैल्यू होगी, इस कोऑर्डिनेट में आप y देख रहे हैं तो y की टू वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, माइनस 1 एंड 7। आगे कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल का आप रेडियस देख रहे हैं तो ये क्या है, ओ ए या ओ वी, रेडियस जो है सर्किल का वो y के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। y इक्वल्स टू आप क्या लेते हैं, माइनस 1, तो देखिए किसी भी कोऑर्डिनेट को आप रख सकते हैं यहाँ पर, सर्किल का रेडियस निकालना है इस केस में, ओ ए ले लीजिए या ओ वी ले लीजिए। सपोज हमने सर्किल का रेडियस क्या लिया, ओ ए, देख रहे हैं आप ओ ए, तो वही डिस्टेंस फार्मूला, वैसे तो हमने वैल्यू पीछे फाइंड आउट कर रखी है, ओ ए माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू देखिए क्या आती है आपकी, माइनस 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3, ठीक है। y की वैल्यू देखिए कितना आ रही है, y की वैल्यू माइनस 1, ठीक है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले कितना आता है 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, y की वैल्यू देखिए आपने y को क्या कंसिडर किया है, माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 रख दीजिए y के प्लेस पर, तो आप देख रहे हैं 9 प्लस 16 आपका 25, तो क्या आ गया 5। इस समय इस सर्किल का रेडियस क्या निकल के आ रहा है, 5, कब आ रहा है, जब y की वैल्यू क्या है, माइनस 1। अब इसी तरह देखिए केस सेकंड, If y equals to, अगले वैल्यू क्या लेंगे हम, y equals to 7, तो रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, देखिए रेडियस ऑफ सर्किल ओ ए अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक ना, रेडियस ऑफ सर्किल ओ ए या ओ वी कुछ भी ले सकते हैं आप, ओ ए देख रहे हैं, ओ ए की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर रखी है, क्या है, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है 9। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है, 7, y की वैल्यू 7, तो ये कितना हो गया आपका 4 इंटू 7, ठीक है 9, देखिए 28 का स्क्वायर आएगा 7 8 4, ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए, 9 4 13, 8 और 1 9 7 9 3, तो इस केस में इस सर्किल का रेडियस कितना आएगा, स्क्वायर रूट 7 9 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, ये ए बी सी आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 5, 2, वी का कोऑर्डिनेट है 2, -2, सी का कोऑर्डिनेट है -2, 1, 1 नहीं ये यहाँ पर होगा t, ठीक
ठीक है ना, ए टी है। आर वर्टेक्सिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये उसके क्या है, वर्टेक्स हैं, और राइट एंगल आपका किस वर्टेक्स पर है, वी पॉइंट पर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, ये जो कोऑर्डिनेट में आप देख रहे हैं ना टी, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए डायग्राम से समझिए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देखिए कहां पर है, बी पॉइंट पर, ए बी, ये सी कह दिया। देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, T, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल का, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी ये तीन वर्टेक्सेस हैं, और आप देख रहे हैं जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है सी, उसमें एक कोऑर्डिनेट आ रहा है -2, T, इस टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप ए वी फाइंड आउट करिए, बी सी फाइंड आउट करिए, और ए सी फाइंड आउट करिएगा। तो देखिए हम फाइंड आउट करते हैं इसको, ए वर्टेक्स को हम यहाँ लिखते हैं 5, 2, वी वर्टेक्स को लिखते हैं 2, -2, और सी वर्टेक्स को लिखते हैं -2, T। तो इस वर्टेक्स को हमने ये लिख लिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ए बी, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला ये यूज़ करिए, देखिए x2 - x1, 2 - 5 का होल स्क्वायर, -2 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका कैलकुलेशन करिए, 2 - 5 - 3 - 3 का स्क्वायर 9, -2 - 2 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ए बी, ए बी के बाद आप फाइंड आउट करिए बी सी, बी सी कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से, देखिए -2 - 2 का होल स्क्वायर, और ये t + 2 का होल स्क्वायर। फिर आप यहाँ देखिए -2 - 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, t + 2 का होल स्क्वायर। ये ए वी, ये आपने फिर बी सी, उसी प्रकार और क्या फाइंड आउट करिए, ए सी, ठीक है ना, इन द सेम वे ए सी, x2 - x1, -2 - 5 का होल स्क्वायर, और t - 2 का होल स्क्वायर। देखिए -2 - 5 - 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है। इसको अभी आप इसी तरह लिख लीजिए, t - 2 का होल स्क्वायर। अब ये ट्राइंगल है, देखिए सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपको गिवन है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज़ करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या, हाइपोटेन्यूस देखिए कितना है, ए सी, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका कितना है बी सी, प्लस फिर क्या आएगा ए बी के स्क्वायर के इक्वल। अब देख रहे हैं आप डायग्राम से, यहाँ ए सी, सॉरी ए सी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, देखो ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, t - 2 का होल स्क्वायर। देखिए बी सी ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए ए बी, ए बी का स्क्वायर करेंगे अगर आप 25, कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, 49 + t² + 4 - 2 AB -4 t, 16 + t² + 4 + 2 AB 4t + 25, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, देखिए टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल, 4 से आपका 4 कैंसिल, आपको बाकी का जो वैल्यू बचा है उसको लिख लीजिए, 49 - 4t इक्वल्स टू, देखिए आप एक तो 4t आपका ये आ रहा है, 16 और 25 को ऐड कर दीजिए, 6, 5, 11, 41, ये 41 आ गया, ठीक है। और कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ये -4t को हम इस साइड में अरेंज कर देंगे तो क्या बचेगा, 8t, इसको इधर पहुंचा दीजिए आप, 49 - 41 क्या आएगा आपका, 8, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा आपका, 8 से 8 कैंसिल, तो t की क्या वैल्यू फाइंड आउट होकर आई यहाँ पर, 1। तो ये t, आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ t, तो वैल्यू ऑफ t कितना होगा, 1। देखिए अब एक नया फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ, सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, सेक्शन फार्मूला। देखिए
जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था, अब आपके लिए एक नया फार्मूला ये सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? सपोज एक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिविन है। जैसे सपोज ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपको, एक्स टू कॉमा वाई टू। एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको गिविन है। अब सपोज एक हमारा पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब ये पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, एम रेशियो एन में, ठीक है। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट जिसका ये एंड पॉइंट है और एक पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, एम रेशियो एन में। तो उस केस में आप देखिए पी पॉइंट के किस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। लिखिए द पॉइंट पी, एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट होज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स पॉइंट्स आर, क्या कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, एक्स वन कॉमा वाई वन, और दूसरा पॉइंट क्या वी, जिसका कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। तो ये हमारा पी पॉइंट है जो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट आर इन द रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखिए किस रेशियो में, एम रेशियो एन में, ठीक ना। ये रेशियो हमें दे रखा है, तो उस केस में देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला कहलाता है, ठीक है ना। तो पी पॉइंट का देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है, एम इंटू एक्स टू, ठीक ना, एम इंटू एक्स टू एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है आपका वाई, इसी तरह वाई को निकालिए, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। एक लाइन सेगमेंट है, उसको ये पी पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशो एन में। तो इस पी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारा ये सेक्शन फार्मूला, पॉइंट फार्मूला। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये उसका एंड पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये बी पॉइंट है, इसका भी हमें एंड पॉइंट दे रखा है एक्स कॉमा वाई टू, ठीक है। पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, एक्स कॉमा वाई। देखिए जब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल होंगे। देखिए इफ पी, जब कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स कॉमा वाई इज द मिड पॉइंट, ये क्या हमारा मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी का, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब देखिए ये इस रेशियो में तो एम रेशियो एन आ रहा था, यहां दोनों रेशियो कैसे होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला ये बनेगा इस तरह से, एक्स वन, एक्स कोऑर्डिनेट जो हम इसका निकालेंगे पी पॉइंट का, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, y कोऑर्डिनेट आएगा y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा सेक्शन फार्मूला, और ये क्या है हमारा, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला भी सेक्शन फार्मूले से ही ड्राइव हुआ है। यहाँ दोनों रेशियो कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, m और n को अगर आप इक्वल पुट कर देंगे तो यही फार्मूला आपका ड्राइव होकर आएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट यहाँ फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इंटरनली किस रेशियो में, थ्री रेशियो फोर में। तो जस्ट मैंने अभी आपको सेक्शन फार्मूला यहाँ ड्राइव कराया था, उसका यूज है यहाँ पर, उस पर वेस्ट हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, देखिए आप लोग ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के आपको ना ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस वन कॉमा थ्री, एक बी बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवेन है फोर माइनस सेवन,
ठीक है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट आपका ये पी, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। सपोज इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई कंसीडर कर लिया। अब ये पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली, देखो इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:4 में। तो ये रेशियो आपको गिवेन है 3:4। अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला ड्राइव कराया था, सेक्शन फार्मूला, वहां क्या था, एम रेशो एन, एम के प्लेस पर 3 और एन के प्लेस पर 4, ये आ गया है। तो देखिए ए पॉइंट आपका ये हम कंसीडर कर लेते हैं माइनस ये, और वी पॉइंट आपका क्या है, प्लस 4, -7। तो यहां लिखिए सिंस पॉइंट पी divides the line segment AB in the ratio, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:4 में। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए यहां पर P पॉइंट के, then कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे किसकी हेल्प से, वाई सेक्शन फार्मूला, ठीक ना। सेक्शन फार्मूले से इस पी के पॉइंट के, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट करिए। तो देखिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी, ठीक ना, एक्स कोऑर्डिनेट याद करिए, अभी जस्ट ड्राइव कराया था मैंने, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन। देखिए एक्स वन बाई वन, एक्स टू वाई टू, ये एम है, ये आपका क्या है, एन है। तो देखिए 3:4 एम इंटू एक्स टू, फिर देखिए प्लस 4 -1 और अपौन में 3+4, फिर आप देखिए वाई इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ से देखिए एम इंटू वाई टू 3 -7, फिर आप देखिए 4 क्या आएगा 3, ठीक है ना ये, और अपॉन में देखिए 3+4। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले का हमने ये यूज़ किया है, ठीक है ना। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, देखिए एक्स 3:4 -12 -4 7, यहाँ देखिए -21 12 3:4 7, 8/7, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट -9/7। तो आपको मैंने अभी सेक्शन फॉर्मेट ड्राइव किया था, उस पर हमने ये वेस्ट आपको क्वेश्चन बताया, एक न्यूमेरिकल उस पर वेस्ट बताया, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मेट किस तरह से हम यूज़ करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, फाइंड द रेशो। आपको ना एक रेशो फाइंड आउट करना है इन विच द पॉइंट, ये जो पॉइंट है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है उसके जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स आपको गिवन है, तो एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट का किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो आपको फाइंड आउट करना है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, रेशो आपको गिवन था और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या, जो लाइन सेगमेंट को जो हमारा पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट तो आपको गिवन है, निकालना क्या, रेशियो फाइंड आउट करना है। फिर कह रहे हैं हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू भी कैलकुलेट करिए। देखो इसको मैं थोड़ा सा अभी आपको समझाता हूँ डायग्राम के द्वारा। ये एक ए पॉइंट कंसीडर कर लिया -5 -4 एंड ये बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2, 3, ठीक है। देखिए इस तरह से समझ लीजिए, ये हमारा ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको है -5, -4 और ये आपका बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 3। एक पॉइंट है आपका पी, ठीक है, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, -3, p। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को दो पॉइंट ये ज्वाइन कर रहे हैं, एक पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट इस ए वी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो आपको कैलकुलेट करना है। आफ्टर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पी की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। तो हमने ना कंसीडर कर लिया, देखो देखिए लेट द पॉइंट पी, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3, p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, ये डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए वी को इन द रेशो,
रेशो आपको फाइंड आउट करना है, तो रेशो आपने कंसीडर कर लिया के रेशो वन, ठीक है ना, के रेशो वन हमने कंसीडर कर लिया है, एम रेशो वन या लैम्डा रेशो वन कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन फार्मूला का यूज़ करिए आप, देन वाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, सेक्शन फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट आप निकालिए यहाँ से, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है ना, सेक्शन वन रेशो आपने देखो क्या कंसीडर किया है, के रेशो वन, ठीक है ना, एम एन देखिए वही आपका एम इंटू एक्स टू, तो ये आपका आएगा माइनस टू इंटू के, प्लस फिर देखिए वन इंटू माइनस फाइव अपॉन एम प्लस वन, देख रहे हैं के प्लस वन, फिर देखिए के इंटू थ्री और वन इंटू माइनस फोर अपॉन के प्लस वन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी ये देखिए कितना गया, माइनस टू के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन, थ्री के और माइनस फोर अपॉन के प्लस वन, ठीक है ना, ये आपका आ गया है। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, तो ये कोऑर्डिनेट्स को इसके इक्वल रख दीजिए, व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक ना, पी के कोऑर्डिनेट आपको देखिए क्या गिवन है, माइनस थ्री कॉमा पी, इस तरह से लिख दीजिए, और यहाँ पर भी लिख दीजिए, ये हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैलकुलेट किया है, देखिए क्या, माइनस टू के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन, थ्री के माइनस फोर अपॉन के प्लस वन, ये कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन था, इसके को लग दिया हमने माइनस थ्री कॉमा पी। अब आप लोग इसको ऐसा करिएगा, इक्वेट कर लीजिए इनको, ठीक है ना, अब आप इसको ना इक्वेट करिएगा, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो देखिए अब हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, नाउ माइनस टू के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन, ठीक है, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू के माइनस फाइव, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री के माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री को आप इस साइड में लेकर आइए, प्लस थ्री के माइनस थ्री प्लस फाइव, यहाँ का आएगा के, और फाइव में फाइव माइनस थ्री कितना बचेगा, टू, के की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब आपको ना यहाँ पर पी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, ऑल्सो देखो पी इक्वल्स टू थ्री के माइनस फोर अपॉन के प्लस वन, ठीक है, इस के की वैल्यू को आप यहाँ पुट करिए, देखो के की वैल्यू कितनी है, टू, थ्री इंटू टू माइनस फोर अपॉन के की वैल्यू टू प्लस वन, थ्री टू जस सिक्स माइनस फोर, ये आपका टू अपॉन थ्री, पी की वैल्यू तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, अरे रेशो भी निकालना था आपको, ठीक है ना, फाइंड द रेशो, तो लिखिए नाउ रिक्वायर्ड रेशो, रेशो आपने क्या कंसिडर किया था, के रेशो वन, देखिए के की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, टू, तो टू रेशो वन, ठीक है, तो ये जो आपका पी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा, टू रेशो वन में, ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बताया है और इस पर हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूले पर, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थैंक यू।